हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे मैं अपनी बेटी को रेडी करती हूँ फॉर वैक्सीनेशन डे। तो पहले से दिन शुरुआत है उसके बॉडी मसाज से। और मैं आज ये ड्रेस, ये लाइक सॉक्स, ये हैंड ग्लव्स उसके पहन कर वाली हूँ। और ये है मैं छोटा सा हेयर बैंड, जस्ट फॉर 4 मंथ्स या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स में भी आप ये पहन सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं जो काम करती हूँ उसको लाइक क्रीम लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए। तो जब भी वो नींद से उठती है मॉर्निंग में, तो उसको मैं बेबी वाइप से अपना जो फेस है उसको क्लीन कर देती हूँ। आइज़ के अंडर आइज़, फोरहेड, टीयर डक्ट एंड अंडर द माउथ एरिया, जहाँ पर वो मिल्क लाइक पीती है ना, तो थोड़ा सा स्पॉट हो जाती है ना, वो सब आप ये बेबी वाइप से क्लीन कर सकते हो। तो ये यहाँ पर मैं बेबी लियो का बेबी वाइप्स यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो हिमालय का बेबी वाइप्स यूज़ कर सकते हो, या मीशो से एलोवेरा जेल विटामिन ई जो फ्लेवर की जो बेबी वाइप्स होती है ना, वो बहुत अच्छा खासा होता है स्किन के लिए। कोई भी रैशेज़ वगैरह नहीं लगती है, पर शिवानी को तो नहीं लगी। आप अगर रैशेज़ व सेंसिटिव स्किन होगा तो आपका बेटी का और बच्चे का, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बेबी वाइप्स ले सकते हो, ठीक है। लाइक ज़्यादा लाइक चीप वाला बेबी वाइप्स मत लेना, क्योंकि वो वाला ना अच्छा नहीं होता। बेबी है तो थोड़ा बहुत टेक केयर तो ज़रूरी है। तो ऐसे देखो मैं वाइप्स कर लेती हूँ, नेक पोर्शन भी उसको लाइक पोंछ देती हूँ। और अभी अभी जो हैंड या लेग्स, उसको भी आप बेबी वाइप से ही पोंछ सकते हो। फिर मैं यहाँ पर जॉनसन्स बेबी का जो क्रीम है ब्लू कलर की, वो इसके ऊपर लाइक अप्लाई कर दूँगी, ताकि सारा का सारा पूरा दिन जो फेस का जो स्किन है वो हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रहे। क्योंकि मैं जब भी वो 1 मंथ थी ना, 1 मंथ हो गई थी, तब से मैं उसको लाइक बॉडी में क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं तंग नहीं करती, क्योंकि उसको हैबिचुएटेड हो गया है। थोड़ा बहुत लाइक ऐसे पैर हाथ हिलाती है, बट इट्स फाइन। ये देखो मसाज करते करते दूध भी गिरा दिया। तो ऐसे में कपड़ा रखती हूँ। अगर आप मेरी तरह न्यू मॉम हो और अपने घर में कोई भी नहीं है, आंटी या ग्रैंड माँ, वैसे कोई मैच्योर लेडी नहीं है जो बच्चे को देखभाल कर सके, तो आप मैं जैसे कर रही हूँ ना वैसे आप कर सकते हो। तो मैं सब कुछ अपने बेड में ही करती हूँ। एकदम धीरे से आप ऐसे कपड़े को हटाना। तो जब मैं उसका कपड़ा हटाती हूँ तब उसको मैं नहीं पिकअप करती हूँ, जस्ट हैंड से ही कपड़ा को हटा देती हूँ, ठीक है। और ये देखो मैं उसका बॉडी लाइक पोंछ देती हूँ बेबी वाइप से, क्योंकि उसका आज वैक्सीनेशन डे है, तो वैक्सीनेशन मैं ले जाऊँगी। तो बेबी वाइप से उसका अंडर आर्म्स, स्टमक एरिया ना गंदगी हो जाता है बच्चे लोगों का, तो एवरी डे अगर आप क्लीन करोगे ना तो उसको भी कंफर्टेबल लगेगी, अच्छी लगेगी। और मैं ना बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, वो भी जॉनसन्स बेबी का ही है ब्लू वाला। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल या जैक ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ करके मसाज कर सकते हो। तो मैं जब भी उसका ड्रेस चेंज करती हूँ, मैं पहले तो उसको मसाज दूँगी, फिर ड्रेस चेंज करूँगी, फिर और डायपर्स जब भी चेंज करती हूँ तो वैसे ही करती हूँ। पहले ना उतना ज़्यादा मैं उसको मसाज लाइक दे नहीं पाया, क्योंकि स्टमक में बहुत पेन था, और मेरे घर में तो मैं अकेले ही हूँ, ऐसे बेंड होकर मसाज करना मेरे से नहीं होता। पर ग्रेजुअली जब 2 या 3 मंथ्स की होने लगी, तो मैं यूट्यूब देखकर सीखने लगी कि कैसे न्यूबॉर्न को मसाज देनी है। ये जो फ्रॉक है ये बहुत ही छोटी हो गई है एक्चुअली। उसका जो पीसी है, यानी कि बुआ, हाँ जो बुआ बोलते वो ख़रीद के दी थी, पर एकदम ही छोटा साइज़ उन्होंने ले ली, पता नहीं क्यों। तो अगर थोड़ा सा 2 या 3 साइज़ बढ़ा लेती तो वो उसको फिट हो जाता। तो ये ड्रेस उनको पहनने के लिए ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती, और उसको भी तकलीफ़ होने लगी थी। और मैं इतना लाइक एंग्री हो गई थी जब इसको ड्रेस पहन रही थी, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन होगा हैंड में, तो मैं ये फ्रॉक उसको पहनना चाहती थी। अगर मैं उसको फुल स्लीव पहनाऊंगी ना, तो फिर से सेंटर में जाकर उसको लाइक कपड़े उतरने होगा, तो वो वहाँ पर एक और लाइक झमेला में मुझे पड़नी होगी। तो इसलिए चलो जल्दी से उसको मैं फ़्रॉक पहना दिया। ये एक स्ट्रगल है एक्चुअली बच्चे को ड्रेस पहनाना, जब वो बहुत ही छोटी है इस तरफ से, लाइक शिवानी की तरह। अभी उसको लेकर थोड़ी सी खेलनी होगी मुझे, क्योंकि उसको लाइक प्ले टाइम है। वो रो रही थी क्योंकि बहुत तकलीफ़ हुई ना फ्रॉक को पहने के लिए, थोड़ा बहुत ऐसे उसको साथ खेल लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मैंने फीड भी करा लिया था। फिर चलो फिर निकालते हैं। निकालने के पहले थोड़ा ये जो फ्रॉक वगैरह है ना उसका ठीक कर लेती हूँ मैं। ये जो सॉक्स मैंने खरीदी थी मीशो से, ये सॉक्स एंड हैंड ग्लव्स दोनों एक साथ ही मुझे एक पेयर 3 पेयर्स था, 3 या 4 पेयर्स तो मैंने ले ली थी। जब भी वो न्यूबॉर्न में नर्सिंग होम से ले आई घर में ना, तब भी मैं ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि ट्रेडिशन है इंडियन कल्चर की। आप लाइक पहले से आप इसको लाइक ऑर्डर नहीं कर सकते हो, बच्चे को ये होगा वो होगा। तो वो भी मेरे घर में वैसे ही कुछ बता रही थी मम्मी, तो इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं खरीदी थी। पर बाद में ही लाइक आते ही नर्सिंग होम से आते ही मैं सब कुछ ऑर्डर कर दी थी उसका। और मैंने ना इसको पहना था लाइक फ्रॉक को, क्योंकि मेरे पास उस टाइम उतना शिवाने के लिए ड्रेसेस नहीं था। लाइक 4 या 5 ड्रेसेस थी, वो भी गीला हो जाती थी क्योंकि मिल्क स्प्लिट हो जाता था। और ये ब्रश भी मैंने मीशो से ही ली थी, और तब भी छोटा छोटा हेयर्स था, तो ये ब्रश में करती हूँ। अभी तो उसका हेयर्स बड़ा हो गया, तभी कोई तकलीफ नहीं होता। देखो कैसे कर दिए, ऐसे एक फ्रॉक या कार्टून एनिमल्स की तरह कर दिए। मेरा सब कम हो गया। लाइक ये करने में 30 मिनट्स लग गए थे क्यों फ्रॉक की वजह से। अगर आपके पास न्यू मॉम हो तो थोड़ा टाइम लगे, पर ग्रेजुअली हैबिचुएटेड हो जाओगे बच्चे के साथ। अब जब बच्चे के काम खुद अकेले ही करती हो ना, तो बच्चे को भी एक कनेक्शन होती है कि हाँ मेरी मम्मी मुझे इतना टच कर रही है, तो उसका लाइक जो अच्छा टच है वो समझ में आ जाएगी। फिर मैंने सोच रही थी कि मैं कौन सी हेवन उसके ऊपर अच्छी लगेगी, और बेड का हालत कुछ ऐसा हुआ था, तो डोंट माइंड। फिर देखो मैं ये येलो कलर की हेयरबैंड उसको पहना दी थी, और उसको बहुत अच्छी लगी थी कैमरे के सामने। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर इस व्लॉग को अच्छी लगी और मेरी स्टाइल मैं कैसे अपनी बच्ची को रेडी करती हूँ, ये स्टाइल अगर आप अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं डेली के डेली व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, एक दिन छोड़ कर। एंड यस, चलो फिर कमेंट में बताना कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।